अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट एक तरह से बहुत बड़े श्राप से बची हुई हैं, क्योंकि उनके घर में तो महेश भट्ट भी हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, तरह तरह से एज अ फिल्म मेकर भी और एज अ जिसको कहते हैं ना न्यूज में, न्यूज डिबेट्स में भी पूजा भट्ट भी काफी एक्टिव रही। बिल्कुल नहीं, आई डिसएग्री विद यू। देखिए पूजा भट्ट जब लॉन्च हुई थी तभी उनके डैड बहुत एक्टिव थे, महेश भट्ट हु इज आलिया स्टेप सिस्टर, ओके। और तब महेश भट्ट बहुत पॉपुलर थे, तब वो बहुत एक्टिव थे, और पूजा का करियर दो तीन सुपर हिट्स के बाद हो गया ठप, बिकॉज एट दैट टाइम महेश भट्ट वॉज अ ग्रेट फिल्म मेकर, ही वॉज अ स्टार मेकर, वो किसी को भी स्टार बना सकते थे। लेकिन क्योंकि वो इतने एक्टिव थे और एक टाइम पर एक स्टार एक फैमिली में, ये रूल है बॉलीवुड का, समवेयर कुदरत ने ये रूल बनाया है, पूजा भट्ट का करियर पूरा ठप हो गया। लेकिन जब आलिया भट्ट लॉन्च हुई तब तक उनके डैडी एकदम बैक सीट ले चुके थे और वो सिर्फ अपने अंडर आर्म्स ही खुजाते रह जाते थे बस। तो महेश भट्ट ने जब से आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में एंट्री ली वो सिर्फ यही करते रहते बस। तो इसलिए आलिया भट्ट मेड इट, शी हैज ग्रेट टैलेंट। आई मीन फ्रॉम बीइंग डम कि उन्हें प्रेसिडेंट का नाम या प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, ऑल दैट इज फॉरगॉटन। लुक एट हर अपीयरेंसेस इन द मूवीज, आई मीन अमेजिंग, अमेजिंग। शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड शी डिजर्व्स दिस। बट अगर उनके डैड एक्टिव होते राइट नाउ लाइक ही वॉज एट पूजा भट्ट टाइम, तो पता नहीं आलिया का क्या होता। बट बिकॉज हर मदर एंड हर फादर आर नॉट एक्टिव इन दिस फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, शी हैज मेड इट। यही हाल हम देखें तो अनिल कपूर के घर में भी है। अनिल कपूर के बच्चे, अगर हम सोनम की बात करें या हम हर्षवर्धन की, तो बात करनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन तो कहीं पर भी किसी भी तरीके का उनका टैलेंट दिखा नहीं, सोनम ने भी वो ऊंचाई हासिल नहीं की और बहुत जल्दी उनको शादी करके घर भी बसाना पड़ा। अनिल कपूर के जिस तरह का, अनिल कपूर का जो लेवल रहा, इतने समय से है अनिल कपूर, मेरे ख्याल से 4 दशक हो चुके हैं उन्हें, 70s में उनकी एंट्री हुई थी और आज भी वो मोस्ट हैपनिंग स्टार्स में से एक हैं, चाहे फिटनेस के मामले में। वेरी वेरी बिग स्टार टुडे एंड यू नो, जब उनके भाई भी एंट्री ले रहे थे इंडस्ट्री में, एक उनसे बड़ा एक उनसे छोटा, और उनके डैड भी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे सुरेंद्र कपूर, बट समहाउ ओनली जब उनके भाइयों को भी देखते हैं, बोनी कपूर को और संजय कपूर को, ओनली अनिल कपूर मेड इट आफ्टर बिग स्ट्रगल, बट संजय कपूर कहीं नहीं पहुंच पाए। बोनी कपूर तो खाली टकले होते गए और मोटे होते गए, फिर उन्होंने इसे श्रीदेवी से शादी कर ली, शादी करके जो श्रीदेवी का पैसा था वो भी उड़ा दिया पिक्चर बनाने में, सब फ्लॉप पिक्चर्स, आई एम सॉरी टू से दैट बट सो इट इज अलेज्ड। सो वहां पे भी मतलब कोई नहीं सक्सेसफुल हो पाया फ्रॉम दैट जनरेशन। अब बात करते हैं अनिल कपूर की, नाउ ही इज अ वेरी वेरी बिग एंड पॉपुलर स्टार, बट जहां तक उनके बच्चे हैं, आई मीन सोनम डिजर्व स्टारडम, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज टैलेंटेड, उन्होंने रांझना जैसी मूवीज दी है हमें, बट वो फैशन डॉल बन के रह गई पता नहीं क्यों। एंड देन रिया जो उनकी दूसरी डॉटर है अनिल कपूर की, वो स्टाइलिस्ट बन गई है। एंड जो हर्षवर्धन कपूर है वो तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे वो है कौन, बट उन्होंने मिर्जिया की थी और साथ में तभी सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर आई थी, डू यू रिमेम्बर? यस यस यस, उनकी महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक थी वो आई थी, शायद सितंबर अक्टूबर एक साथ ही रिलीज हुई थी ये फिल्में, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उस टाइम पर एवरी स्टार एवरी सेलिब्रिटी एवरी हीरो एवरी हीरोइन इन द इंडस्ट्री वॉज रूटिंग फॉर हर्षवर्धन कपूर एंड ट्वीटिंग इन praise of him, और बिचारे सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी नहीं पूछ रहा था। उनकी MS धोनी आई थी राइट, और इनकी मिर्जिया, जितना मिर्जिया को प्लग्स मिले पॉजिटिव, फिर भी सुशांत सिंह राजपूत जो आउटसाइडर थे उनको मिल गया सक्सेस उस मूवी में, लेकिन हर्षवर्धन को मिर्जिया के प्रमोशन के बावजूद स्टारडम नहीं मिला, रेकग्निशन नहीं मिली, और आज उनको
लोग भूल के बैठ गए हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं है हर्षवर्धन कौन है। आज तक पॉपुलर है और वो पॉपुलर थे, और जब से उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में वो केबीसी शो के होस्ट जैसा रोल किया था, वो तो सुपरस्टार फिर से दोबारा बन गए। बिल्कुल। तो अभी वो एक्टिव हैं, जब तक वो फैमिली में एक बंदा सुपर एक्टिव रहेगा तब तक शायद शनाया कपूर हो, मतलब कि उनकी भांजी हर्षवर्धन, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो शनाया और हर्षवर्धन को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा और तब तक उनका टाइम चला जाएगा। होपफुली वील प्रे फॉर द बेस्ट, बट पता नहीं बड़ा अजीब सा रूल है इस इंडस्ट्री का, ये क्या है चक्कर मुझे नहीं पता। अब कपूर्स की बात कर रहे हैं तो रणबीर कपूर की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके करियर में हमने डिफरेंट फेज देखे, जब वो आए थे इंडस्ट्री में उस वक्त का उनका करियर, फिर उसके बाद एक सेकंड फेज आया और अब फिर से उनका करियर एनिमल के बाद से उठा है। तो रणबीर के करियर को आप कैसे देखती हैं, खासकर तब जबकि ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी बीच में एक्टिव हुए थे। देखिए रणबीर कपूर जब आए थे सावरिया के साथ, द मूवी डिडंट डू दैट वेल बट ही वाज अप्रिशिएटेड। फिर उनकी आई वेकअप सेड, फिर उनकी उससे पहले आए वो वेकअप सेड, रॉकेट सिंह एंड ये बर्फी, ही वाज हाईली अप्रिशिएटेड इन दोस मूवीज। लेकिन उनके डैडी थे जो ऋषि कपूर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज, एंड वो ऐसे ऐसे ट्वीट करते थे कि 6 बजे के बाद, मतलब जब उन्होंने एक दो लगा लिए हों पैक्स, वो ऐसी ऐसी ट्वीट्स करते थे, इतनी ह्यूमरस ट्वीट्स, एंड ही वाज अ वेरी आउटस्पोकन ऑनेस्ट पर्सन, यू नो, कि अपने दिल पे कुछ मत रखो, बोल दो जो बोलना है, बिंदास, यू नो, खुल्लम खुल्ला, लाइक ही कॉल्ड हिज बुक, एंड ही वाज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, फैंटास्टिक एक्टर, एंड यू नो यू एंजॉयड, एक एक ट्वीट के लिए हम तरसते थे कि कब वो ट्वीट करेंगे, और 6 बजे के बाद ट्वीट करते थे, मतलब समझ जाओ कि एक दो ड्रिंक मार लिए अब ट्वीट कर रहे हैं। वैसे भी वो विदाउट ड्रिंक्स ऑल्सो ऐसे ही थे, एकदम खुलम खुला। तो उसके बाद जब रणबीर की ये 2-3-4 फिल्में आई, सडनली इट मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट ऋषि कपूर बिकेम वेरी एक्टिव विद हिज ट्वीट्स, देन ही स्टार्टेड appearing on some TV interviews, you know, with very big journalists, like, you know, chatting with Arnab Goswami and all. Then he started appearing on panels with, like, and he had a lot of chit chats with Suhail Seth, you know, who's very popular with media panels and everything. Yes. And he started having a lot of chit chats there and all that. And suddenly, people became great fans of his, और वो वेट करते थे शाम को कि कब ऋषि कपूर अब ट्वीट करेंगे, और उसी चक्कर में लोग रणबीर कपूर को भूल गए। लेकिन फिर रणबीर कपूर एक दो फिल्म के साथ चढ़े तो उनके मॉम और डैड को भी ऑफर्स आने लग गए, तो दे सेड व्हाई नॉट, एंड वेरी इनोसेंटली नीतू कपूर एंड ऋषि कपूर सेड यस टू द ऑफर्स दे वर गेटिंग। रिजल्ट क्या हुआ, जब उनको असली ऋषि कपूर मिल रहा है तो वो एक छोटे से नाटे से लुकल आइक को क्यों ले रणबीर कपूर को अपनी मूवी में, उन्हें तो ऋषि कपूर मिल रहे हैं सामने से, नीतू कपूर हु इज इन सच गुड शेप, सच गुड ब्यूटी एंड सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, बोथ ऑफ देम आर ब्रिलियंट एक्टर्स, ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर, तो फिर वो लुकल आइक के लिए क्यों जाए, वाई शुड दे सेटल फॉर सेकंड बेस्ट व्हेन दे गेटिंग द ओरिजिनल्स। तो उसी चक्कर में रणबीर कपूर का करियर ठप हो गया। और फिर अभी देखिए उनकी मम्मी ने एक मूवी की थी जुग जुग जियो, और उसी टाइम पर रणबीर कपूर की मूवी को कर रहे थे, शमशेरा आ रही थी उनकी, शमशेरा को प्रमोट कर रहे थे, एंड आई थिंक अ मदर बीइंग अ मदर शी वाज नॉट सो कंसर्न अबाउट हर ओन मूवी जुग जुग जियो, शी वाज डूइंग इट मोर टू प्रमोट रणबीर कपूर बिकॉज ही वाज काइंड ऑफ मेकिंग अ कमबैक विद ब्रह्मास्त्र एंड शमशेरा and Jagga Jasoos also before maybe. Jagga Jasoos, yeah. Jagga Jasoos yeah. around that time only. And all his movies bombed. So Rishi, so she was promoting her son more than herself. And after that, she took a very low profile. She maintained a very low profile. Aur ab dekho, I mean, unfortunately, he lost his dad. Neetu Kapoor has, you know, kept a very low profile because maybe she doesn't have any movies coming up right now, and I suspect
that she was doing all that just to promote her son more than herself. That's how mothers are, right? So, abhi dekho Ranbir Kapoor ko, one person in one family at one time. So, Ranbir or Rishi and Neetu. जब ऋषि एंड नीतू मूवीज में आ गए उनकी पिक्चर्स चल गई, रणबीर पिट गया। अब रणबीर के लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, उनकी मम्मी बैक सीट लेके बैठी हुई है, तो रणबीर देखो कहाँ पहुंच गए।